मैम आप ये सर नीतू जस्ट गिव अ लुक ओवर बहुत दूर हो रहा है अब सारे ऑप्शंस हैं ना अब योर ले लो इधर की है I like what you're wearing. Thank you. Are you done? Yes. Yeah. We'll do bites. Sir, designers' costumes are always very beautiful. They make us think for us. And it's a great pleasure that I'm here today Mrs. Sandhya Singh's creation. Because she's an emerging designer. Also very established and she has a showroom in Delhi, right? Called Sandhya's. And our family friend too. And I'm very happy today.
कि राजीव भैया और नीरज भैया दीज आर ब्रदर्स फॉर मी एंड टुडे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आज इनकी कलेक्शन में यहाँ पे आ सकी. बहुत कम समय होता है जब लड़कियाँ ट्रेडिशनल लुक में दिखाई देती है, तो आज एनीथिंग स्पेशल? ऐसा नहीं है, मौके की बात है, आप मौका देंगे हम आ जाएंगे. So it's just that ki today was a you know, I was really fascinated when I saw her collection, with especially jo ethnic collection hai, aap dekh sakte hain kitne khoobsurat colors hain aur handmade hain, aur mujhe pata chala ari ka koi kaam hai, wo ek alag tarike ka hai kaam. So when they put so much of hard work into putting a creation like this, so I think it's a very important thing that hum log aake aise khade hain. Any personal style statement you follow? I think saree for any girl, especially ladkiyon, Indian ladkiyon ke liye sabse khoobsurat aur sabse sensuous dressing hoti hai, aur mujhe saree pehenna bahut pasand hai. Any upcoming project you want to share with us? I've already shared, like we've got ladaku, right. abhi national award mila hai, so you know that as a producer I've got a national award, so I'm very excited about that. And ladaku is my next film, which is a martial arts film. It's in Hindi and English both. English mein it's called The Olympic Girl, aur Hindi mein it's called Ladaku, kyunki aapko pata hai main martial artist hu, to ek to mauka milna hi chahiye mujhe ye. Acha, national award milne ke baad aisa koi pressure hota hai ki kaam mein acha karna hai ya aisa kuch? Pehle se acha nahi kar rahi thi main. Aap bahut acha kar rahi thi, national award milne ke baad responsibilities badh jati hai, to nahi 100% responsibilities badh jati hai, kyunki pata chalta hai jo aap mehnat karte aa rahe hain saalon se, उसको ध्यान दिया जा रहा है, उसको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, तो उस ध्यान देने वाले लोगों को और उस ऑडियंस को जो अप्रिसिएशन जो हमें दे रहे हैं, उसको वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए. तो यस, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ नेशनल अवार्डेड फिल्म ट्रैफिक सिग्नल हो, लकी लकी हो, तो आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी, और आज के टाइम पे एवरीबडी इज कंटेंट ड्रिवन. तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि ये नेशनल अवार्ड मिला है, और खासकर उस रीजन से जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ की पहली नेशनल अवार्ड है. सो आई एम वेरी हैप्पी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, डर लग रहा है कि अब क्या करना है, लेकिन करना जो भी करूँगी अच्छे से ही करूँगी. नहीं तो आपने ये भी कहा कि मतलब अब उड़ता पंजाब आ रही है, तो उसमें बिहारी कम्युनिटी पता था आपके सबसे आने वाला यहीं से. तो बिहारी कम्युनिटी को जो टारगेट किया गया, तो अभी हाल ही में एक सॉन्ग लॉन्च में आलिया भट्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि एक भी टारगेटिंग कम्युनिटी ऐसा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म एक एंटरटेनमेंट मीडियम होता है, तो किसी कम्युनिटी को टारगेट करना आपके लिए मतलब हर्टफुल है क्या है? देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी भी कम्युनिटी को, चूंकि मैं बिहार से आती हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन अब इट्स नॉट अबाउट फ्रॉम बिहार, इट्स अबाउट एनी कम्युनिटी. सरदार्स के ऊपर जोक बनते हैं, हर साउथ इंडियन मद्रासी है, ये तो बहुत ही गलत बात है. उसी तरह से चाहे भोजपुरी फिल्में हों या हाई एलीट क्लास हिंदी सिनेमा हो, हमेशा बिहारी इज अ कैरिकेचर, आदर वो फनी दिखाया जाता है या करप्ट दिखाया जाता है. वी हैव हंड्रेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इवन द सीबीआई चीफ ऑफ इंडिया इज अ बिहारी. यू टॉक ऑफ एनी ब्यूरोक्रेट, सब बिहारी हैं. तो क्या कोई भी फिल्म मेकर, हमारे राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्ला खान, जैनिज्म, बुद्धिज्म, नालंदा यूनिवर्सिटी, यू नेम इट एंड इट्स देयर, तो क्या इन लोगों से, इतने पढ़े लिखे अमेजिंग डायरेक्टर्स हैं, क्या वो कोई भी उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि वो उसे एग्जीक्यूट करके बाहर ला सके? मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर आप कैरेक्टर में कभी खराब दिखाते हैं किसी भी कम्युनिटी को, तो आप अच्छा भी दिखाइए, बैलेंस कीजिए. यू कैन नॉट जस्ट कीप सेइंग कि बुरा है बुरा है. मेरा बस ये कहना है कि जहां कभी कोई सी जगह में खराब होता है, तो वहां अच्छा भी होता है, और दूसरी जगह में भी खराब और अच्छा होता है. But you cannot just stereotype anything. So I have never targeted a actor. I have always told about the filmmakers. Not Udta Punjab. I'm talking about every filmmaker from the past and also the writers. As a producer, भोजपुरी फिल्म में भी आजकल काफी अच्छा कर रही है. प्रियंका चोपड़ा की प्रोडक्शन में एक फिल्म बन रही है. आप भी एक प्रोड्यूसर बन चुके हैं, तो फ्यूचर में हम देखेंगे कोई भोजपुरी फिल्म को प्रोड्यूस करते हो या फिर आप फीचर करते हो? बोलूँ मैं कुछ बोलूँ इसके ऊपर, ये आंसर देना चाहिए मुझे नहीं देना चाहिए? आई एम श्योर आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने एक भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस की है, विच इज गॉन टू 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. 54 सालों में पहली फिल्म है जिसे इंडियन पैनोरमा इफी गोवा में सिलेक्ट किया गया है. आप लेट हैं इस बात को क्वेश्चन करने के लिए. और ये मेरी जो फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, वो मैथिली फिल्म है. सो जो मेरे से मैं अपना अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो मैं फिल्मों के द्वारा जो अपने रीजन की अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी, वो करती रहूंगी, चाहे मेरा साथ कोई दे या ना दे, दैट डजंट रियली मैटर. जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल डू दैट. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच. दैट इज द रीजन दैट आई एम हियर. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आप इतना अच्छा कर रही हैं. और आप आए, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा. वो नीरज भैया वहां खड़े ना कोने में जो चुपके, ही इज द मैन नेचुरली. अजीब है तो दिख ही नहीं रहे मुझे. हाँ, कम गाइस, आई हैव टू इंट्रोड्यूस दीज टू मैन बिहार.
come. And that's Neeraj Singh. He is my brother. So hum log dono, hum log sab ye jo family hai ek saath ikhatta hue hain taki we can support Sandhya's here. So I'm very proud of the fact the collection she has. Bhaiya. Bhaiya. Oh hi. He was the national coach in Indian cricket team. Oh, wow. Chandra. How are you? I'm fine. How are you? Hey, Pankaj. ये पंकज जी हैं पटना के हैं थैंक यू वेरी मच और टेक केयर ऑफ देम या थैंक यू बैठो ऐसे ही करो हर शादियों का है। अपने लास्ट